नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मिसिंग नंबर के हैं, और उनको सोल्व करने पर आप इसके मेथड को समझ सकोगे, और इसी प्रकार के आगे के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको इसमें मदद भी मिलेगी। तो आज हम आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है, 28, 32, 41, 57 और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें नंबर बताने कौन सा नंबर अब आगे आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हम गैप देखते हैं, इनके बीच में कितने कितने नंबर का गैप है। तो इसमें +4 का गैप हो रहा है। इसके आगे 32 से 41 के बीच में, इसमें +9 बढ़ रहे हैं। 41 से 57 के बीच में कितने का गैप आ रहा है हमारे पास? तो इसमें आ रहा है 9, 7, 16। तो इसमें आ रहा है 16 का। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यह वर्ग बन रहा है। ये 4 2 का स्क्वायर है, 3, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 का स्क्वायर 16 बन गया। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, तो 57 प्लस 25 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5, 7, 12, 5, 7, 2, 7, 1, 8, यहाँ पर आ जाएगा 82। तो इसका राइट आंसर है 82। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस इसमें अपने को गैप देखना था कितने कितने का गैप आ रहा है। अपने से पास जो गैप आया वो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर कंटिन्यूशन का बन रहा है, तो अपन उसको कंटिन्यू करके उसमें ऐड कर देंगे। अब हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें श्रृंखला है 19, 26, 37, 50, 67। इसके बाद हमें जो आगे वाली संख्या आएगी वो निकालनी है। तो चलो इसमें भी गैप करके देखते, गैप से आ जाए तो अच्छा है। इसमें 19 से 26 के बीच में गैप है +7 का। 26 से 37 के बीच में कितने का गैप आ रहा है हमारे पास? इसमें आ रहा है 4, 7, 11, इसमें आ रहा है +11 का। 37 से 50 के बीच में कितने का गैप है? यह है +13 का। ऐसे 50 से 67 के बीच में +17 का गैप बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे इसमें डबल श्रृंखला और बनेगी। इसमें ऐसे पता नहीं लग रहा कितने कितने गैप है, तो डबल श्रृंखला करके 7 और 11 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? +4 का। 11 से 13 के बीच में +2 का। 13 से 17 के बीच में +4 का। तो ऐसे +4 +2 +4, तो अब फिर से +2 रिपीट होगा, +2, यानी कि 19 का गैप आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा +19। तो 67 को 19 को जोड़ देंगे तो 7 9 16, 16 6 1 7 1 8, 86 ये अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर हो रहा था, इसमें डबल श्रृंखला बनाकर अपने को करना है ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह श्रृंखला दी हुई है 9, 18, 72, 576, इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो अपने को ये निकालना है। इसमें गैप से तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्ट बड़ी बड़ी संख्या बढ़ रही हैं। तो अपन इसमें देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन इसको। तो 9 को किससे गुना करें कि अपने पास 18 आ जाए? 9 को 2 से गुना करते हैं तो अपने पास 18 आ रहे हैं। फिर इसमें 18 से 72 किस टाइप से आएंगे? 18 को जब हम 4 से गुना कर देंगे तो अपने पास 72 आ जाएगा। तो इसमें इसका दुगुना करके इससे गुना हो रहा है, तो इससे यहाँ पर हम 72 को कैसे किससे गुना करके 576 आ जाए अपने पास? इसको करते हैं अपन, इसका दुगुना 8 से गुना करते हैं। तो अपन को 72 को जब 8 से गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 576। तो गुणा दो, इसका गुणा दो करके 4 हो रहा है, इसका दो गुणा करके 8 हो रहा है अपने पास। तो यहाँ पर इसका दुगुना करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो इसका 8 का डबल हो जाएगा 16। 16 को कर देंगे अपन 576 से इंटू, तो अपने पास आ जाएगा ये अपने पास 6192, ये आ जाएगा अपने पास आंसर इसका। इसमें इसको 9 को 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 का डबल करके इसको 18 से गुणा किया, 4 का डबल करके इसको 72 को 8 से गुणा किया, 576 8 का डबल करके 576 को 16 से गुणा करके अपने पास ये आंसर आ जाएगा 9216, ठीक है। और कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें अपन को बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है, बीच में कोई नंबर मिस होता है वो अपन को ज्ञात करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे कुछ देखते हैं। चलो चलो देखते हैं। इसमें 1219, 707, 1050, यहाँ पर अपने पास है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अपने को संख्या निकालनी है और उसके आगे भी एक संख्या दी हुई है 959। तो इनका गैप से हो जाना चाहिए, चलो गैप से करके देखते हैं अपन इनको। तो इन
1219 और 707 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? ये संख्या घट रही है तो इसमें माइनस होगा, तो इसमें गैप आ रहा है 2 1 12 7 के 512 का गैप आ रहा है। यहाँ पर 1219 में से 512 जाएंगे तो 707 अपने पास आ रहे हैं। फिर अपने पास 707 से 1050 तक संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर अब प्लस होगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखते कितना प्लस हुआ इसमें। इसमें हुआ है 343 ऐड करने पर हमारे पास 1050 आ रहे हैं। तो अपने को ऐसे कुछ लग रहा है ये किसी का वर्ग या फिर क्यूब आ रहा हो अपने पास। तो ये है 8 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब, तो संख्या घट रही है और उसका क्यूब होता जा रहा है। तो अपने पास 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। अब अपने को एक बार हो रहा माइनस, दूसरी बार प्लस, तो इस बार हो जाएगा माइनस। यहाँ पर माइनस करने के बाद 1050 में जैसे 216 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 734। अपने पास ये आंसर आ गया, मिसिंग नंबर अपनी 734। और 734 में जैसे आगे करके देखते हैं आगे वाली संख्या सही है या फिर नहीं, अपने पास जो निकाली उसको चेक कर देते। तो यहाँ पर 6 का क्यूब है तो अपने पास यहाँ पर 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इसमें ऐड करेंगे यानी कि 125 ऐड करते हैं। तो 5 4 9, 3 3 2 5 7, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अपने पास आया था 8 था यहाँ पर अपने पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 834। 834 होने के बाद इसमें 8 1 9, तो अपने पास जो संख्या आई है 834, ये मिसिंग नंबर अपना ये बिल्कुल ठीक है। इसमें क्यूब होकर एक संख्या छोटी करके उसका क्यूब करके एक बार घटा रहे, एक बार जोड़ रहे, दूसरी बार घटा रहे, फिर जोड़ रहे, ऐसे कर रहे हैं। तो अपने आंसर है 834। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें स्क्वायर हो रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को।